अब वक्त है साई भक्त से जुड़ने का, उनसे बात करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं। ओम साई राम, क्या ओम साई राम नाम है आपका? जी। मेरा नाम सुरेश लाल जी, सुरेश लाल है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अभी ओमान से बोल रहा हूँ। वैसे मैं रहने वाला उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जी, आप क्या बताना चाहते हैं बाबा के बारे में? मैं बाबा के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि बाबा से पहले मैं सबसे पहले मतलब पहले मैं जानता नहीं था बाबा के बारे में कि मतलब कि साईं बाबा कौन है, क्या है। जी हाँ उसके जी, बाद मैं ऋषिकेश में, ऋषिकेश एक रेस्टोरेंट में काम करता था, तो वहाँ मतलब कि दीवार पे बाबा का तस्वीर लगी हुई थी, तो सबसे पहले मैंने बाबा का तस्वीर उधर ही देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये मेरे को इतना कुछ वो जानकारी नहीं थी बाबा के बारे में कि मतलब कि बाबा शिरडी रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो भी मेरे को मालूम नहीं था। जी उसके बाद मैं मतलब कि 2011 में मैं मुंबई आया। होटल में जॉब करता हूँ, हाँ जी, तो मुंबई आए तो मुंबई फिर मतलब हमारा ये होटल का काम चलता रहा चलता रहा। उसके बाद ये कम से कम कि फिर 2015 की बात है, ये मार्च में, जी तो हमारा हमारा प्रोग्राम शिरडी जाने का प्रोग्राम बनाया था हमारा, मतलब होटल का जो स्टाफ था, तो 3-4 लोगों ने, तो हमारा हमने सोचा था कि हम शिरडी जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो लेकिन ऐसा हुआ कि हाँ जी, हमारे साथ में जो एक लड़का और था, तो उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो अपने घर निकल गया, इसलिए हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो उसके बाद उससे पहले हमारे जो होटल के स्टाफ थे, तो उन लोगों ने बोला था कि अगर जब तक बाबा का बुलावा नहीं आएगा आपको, तो तब तक आप शिरडी नहीं जाएंगे। जी फिर मैंने बाद में सोचा कि वाकई में ये बात सही है कि जब तक बाबा बुलावा नहीं भेजते किसी को, तब तक कोई भी मतलब शिरडी नहीं जा सकता है। वैसे फिर उसके बाद फिर मैं बाबा से यही रात दिन प्रार्थना करता रहा कि बाबा मुझे शिरडी बुलाओ, मुझे शिरडी बुलाओ। तो बाबा ने मेरी पुकार सुन ली थी। जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं शिरडी के लिए तैयार हो गया। बाबा ने मेरे को बुलावा भेज दिया, तो मैं जाने के लिए तैयार हो गया। मतलब फिर उसके बाद मैं सोचा कि अब मेरे साथ में अकेला था, कोई और आदमी है नहीं था, तो मैंने सोचा अकेला कैसे जाएगा, कहाँ से जाएगा, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। फिर जी उसके बाद एक दोस्त था मेरा, मेरा दोस्त था, तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा चलो शिरडी चलते हैं। मैंने कहा तो उसने भी पहले मना किया मेरे को। मैंने कहा ठीक है, ये मैंने कहा अब अकेले जाना पड़ेगा। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने उसको तैयार कर दिया, वो भी तैयार, उसने खुद ही बोल दिया अपने मुंह से कि चलो मैं भी आता हूँ गुलाब के साथ में। हाँ जी, तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम दोनों शिरडी चले गए। शिरडी जाने के बाद क्या हुआ कि हम शिरडी गए, बाबा के दर्शन किए। उसके बाद बाबा के दर्शन किए, वहाँ रात को हम 2-2.5 बजे पहुंचे हम उस शिरडी में। उसके बाद नहाए धोए, उसके बाद बाबा के दर्शन करने के लिए निकले। जी तो बाबा के दर्शन करने के लिए निकले, तो बाबा से मतलब कि मैं यही प्रार्थना किया कि तभी मेरा मतलब कि पासपोर्ट वगैरह भी कुछ नहीं बना हुआ था, तो तभी मैं उसी महीने मैं घर गया था। उसके बाद मैंने पासपोर्ट बनाया था अप्रैल में। हाँ तो मैंने जी बाबा से यही प्रार्थना की थी कि बाबा मुझे मुझे कहीं बाहर लेके जाना। जी बाबा ने मेरी मला की पुकार सुन ली थी। मला की बाबा ने ये समझ लो आपकी, मैं दिसंबर 2015 दिसंबर में इधर ओमान में आ गया था, एक कंपनी है इधर, हाँ जी उसमें जॉब मिल गया था मेरे को। तो जॉब मिला तो बाबा ने मेरी पुकार सुन ली थी, मतलब जब जबकि मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनाया था, तो हाँ बाबा जी ने मेरी पहले ही वो मेरी पुकार सुन ली थी। जी फिर इसके बाद इधर आया, फिर मतलब कि कोई भी मतलब कि पैसा नहीं भरा मैंने, जैसा कि मतलब कि ऑफिस वाले मतलब कि वो लेते हैं सर्विस चार्ज लेते हैं, तो उसका भी कोई भी 1 रुपये भी नहीं भरा मैं। मतलब कि फ्री वीजा फ्री टिकट में आया इधर, हाँ बाबा की जी ऐसी कृपा हुई मेरे पे। जी फिर उसके बाद इधर 2 साल काम किया। फिर उसके बाद मैं इधर जिस कंपनी में मैं पहले था, उस कंपनी में वीजा नहीं लगाने वाला था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं इधर ही मतलब कि दूसरी जगह मतलब कि बाबा का नाम स्मरण करता रहा रात दिन, और बाबा की कृपा से इधर ही दूसरे रेस्टोरेंट में मेरे को काम मिल गया। जी और काम करते करते मतलब यहाँ पे अभी मैं अभी मेरे को मतलब कि अब 2 साल अभी दिसंबर जनवरी में हो जाएंगे पूरे। हाँ जी बस बाबा की कृपा, तो मतलब कि बाबा फटक से सुनते हैं किसी की भी, जो अगर बाबा को सच्चे दिल से मतलब पुकारे।
जी और अभी जो मतलब कि मेरे लाइफ में जो मतलब कि एक्सपीरियंस है, जो मैंने मतलब कि जिसका मैंने साक्षात्कार किया है, जो मतलब कि मैंने सोचा कि हाँ बाबा मतलब सुनते हैं सबकी, जी तो अभी क्या हुआ कि मतलब कि 13 फरवरी 14 के बीच में मेरे दोनों पाँव में दर्द हो रहा था, मतलब दर्द होना चाहो जैसे मतलब कि ये बायां पैर है मेरा, वो जैसा ऐसा होता है ना जैसे पैरालाइज वाल का होता है ना, कि जैसे मतलब कि पूरा कमर से नीचे पूरा पाँव तक पूरा जैसा सुन जैसा लग रहा था मेरा पाँव, तो जी मेरे को मतलब खड़े रहने में बहुत तकलीफ होती थी। हाँ जी मेरे को पता नहीं कहाँ से बाबा ने प्रेरणा दी कि अभी 4 मार्च को शिवरात्रि के दिन, तो 3 तारीख मार्च को मैंने क्या सोचा कि मैं कल से मतलब कि बाबा की पूजा करूंगा यहाँ पे। जी बाबा का एक छोटा सा मतलब कि तस्वीर है मेरे पास, उसी उसी की पूजा करता हूँ मैं अभी यहाँ पे। मतलब कि तो 4 तारीख मार्च को, अभी मतलब मार्च को जो शिवरात्रि थी उसी दिन से मैं यहाँ पे बाबा की अभी पूजा पाठ पूजा करता हूँ। बस थोड़ा सा मतलब अगरबत्ती वगैरह जलाता हूँ। जी तो उसके बाद क्या मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने कहा यार, मैंने बहुत सारे आपके साई लीला टीवी के माध्यम से बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे मैंने, कि आप मतलब बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमने मतलब कि उदी से ऐसा हुआ, हमारा उदी से वैसा हुआ। तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं कि बाबा के नाम से ये अगरबत्ती जलती है यहाँ पे, तो मैंने कहा बाबा के नाम से ये अगरबत्ती का जो उदी है वो मैंने लगाने चालू किया अपने दोनों पैरों में। जी और वो लगाने में कम से कम 5-7 दिन लगाया, उसके बाद मेरे दोनों पाँव का प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया। मेरा जो मतलब कि मेरा कमर से नीचे दोनों पैर से लग रहे थे, मतलब कि जैसे मतलब खड़े रहने की ताकत नहीं होती थी मेरे को, जी तो अभी मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मतलब कि 1-1.5 महीना हो गया, अभी अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब अच्छा है। जी बस तब से तो मेरा मतलब कि बाबा पर बहुत ही विश्वास हो गया अभी, मतलब बहुत ज्यादा। अभी मैं रात दिन मतलब कि चलते फिरते मतलब बाबा का ही नाम स्मरण करता रहता हूँ, अगर काम पे भी मैं लगा हूँ तो बाबा का ही नाम स्मरण करता रहता हूँ। जी सुबह भी मतलब कि जब उड़ता हूँ तो बाबा के नाम से उड़ता हूँ, सोता भी हूँ तो बाबा के नाम से नाम के साथ सोता हूँ। हाँ जी बस बाबा के साथ मतलब अभी बहुत ज्यादा जुड़ाव हो गया मेरा। मैं यही चाहता हूँ मतलब कि बाबा हम पे मतलब ऐसी अपनी कृपा बनाए रखे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे और जुड़ने एक के लिए। एक हाँ जी मतलब एक एक्सपीरियंस और मेरे मतलब कि लाइफ में, अभी मतलब कि मैं इधर ही था, ये इधर ही 2017 की बात है ये। हाँ जी तो ऐसे ही मैं बाबा का मतलब कि वो देख रहा था, लीलाएं देख रहा था मतलब, तो बाबा की लीला देखते देखते मतलब कि मैं कुछ लीला मतलब कि मेरे समझ में आई, तो मैंने सोचा एक दिन कि बाबा कभी हमको भी अपने साक्षात कराओ कराओ अपने, कभी अपने दर्शन दिलाओ। जी तो जैसा मैं मतलब कि मैं तो हूं तो इधर ही था ओमान में, 2017 की बात है ये। हाँ जी तो जैसा मैं अपने गांव में चले गया हूँ, और गांव में एक खेत में सोया हूँ मतलब, जी तो सोया हूँ तो बाबा आए सफेद मतलब व्हाइट व्हाइट पोशाक में पहने हुए बाबा, सिर पे मतलब व्हाइट कपड़ा मतलब कि पगड़ी बांधी हुई है, और चेहरे पे पूरे बाल मतलब कि व्हाइट व्हाइट बाल थे पूरे, जैसे सेम बाबा ही थे, सेम बाबा बाबा के जैसे लगते थे। जी और बाबा बाबा आए बाबा आए जहां से मतलब मैंने पाँव कर रखे थे, सोया हुआ था मैं, जहां मैं पाँव कर रखे थे उसी साइड से बाबा आए मेरे पाँव की तरफ से, और सीधा मेरे सर की तरफ से निकल गए, और बाबा सीधा निकल गए। ना तो बाबा ने मेरे से कुछ बात की, ना कुछ मतलब कि कुछ चित की है। मैं बाबा को पुकारता रहा बाबा बाबा, और बाबा ने मेरी एक भी नहीं सुनी है, बाबा सीधा चले गए वहां से, अदृश्य हो गए। जी बाबा ने आपको साक्षात दर्शन दिए। ये बाबा भी ने आपको साक्षात दर्शन साक्षात दर्शन दिए, जैसे मैंने सोचा था कि मैंने कहा बाबा तुम मेरे को कभी अपने साक्षात कराओ, और बाबा ने वैसे ही किया, सच में वैसे ही किया। जी तभी से मतलब कि मैं सोचा कि हाँ बाबा है, मतलब बाबा है। हाँ जी बस अभी तक तो मेरी जिंदगी में यही एक्सपीरियंस है, बाकी आगे और भी एक्सपीरियंस आएंगे तो मैं आपको शेयर करते रहूंगा। जी जरूर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जी जुड़ने के लिए। ओम साई राम। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी, और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ
साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सदगुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साई भक्त कहेगा हर हर साई घर घर साई। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुण उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साई के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता रजेवा, ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरु नाथा, माझ्या साई नाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साई अभिषेक पूजा, और हर गुरुवार श्री साई सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साई मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साई लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साई की मंगल मूर्ति, श्री साई सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक ना फायदा ना नुकसान तौर पर आप तक पहुँचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साई की मंगल मूर्ति साई लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साई मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साई लीला टीवी ने खास साई लीला टीवी परिवार के साई भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साई की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साई लीला टीवी साई भक्तों द्वारा साई भक्तों के लिए एक उपहार है, इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साई की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं साई लीला टीवी gmail.com पर।
जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।